स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी प्लेटफॉर्म। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका जो मेहनत है, आपका जो हार्डवर्क है, वो बहुत ही सक्सेसफुल मिशन की ओर अग्रसर हुआ है और एनटीपीसी की जो फाइनल डेट है वो आ ही गई है। बेटा कंटिन्यू करो, गवर्नमेंट आप लोगों की जरूर सुनेगी, क्योंकि बेटा आप लोग ही तो फ्यूचर हो आने वाले दुनिया का, आने वाले टाइम का, है ना। तो प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करते रहो और चीजों को गवर्नमेंट के सामने रखते रहो। हमारी डिमांड्स हैं, हमारी जरूरतें हैं, मांगे हैं, उनको सरकार जरूर पूरा करेगी और हम सब लोग आपके साथ हैं। अरे बच्चों, एक बात और जान लो, छोटी सी बात है, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर इस इंटेलिजेंस का, इस नॉलेज का क्या फायदा, ये वेस्ट हो जाएगी। और सर, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, है ना बेटा। अभी नेक्स्ट सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था, प्रीवियसली क्लासेस में पैसिव इंटरप्रिटेशन चल रहा था, बहुत ही अच्छे से चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था और मैं लेवल फर्स्ट को डिस्कस कर रहा था आपके सामने। ऐसे ही शानदार और एक जानदार और एक मजेदार, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग थीम के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं, आपका अर्जुन सर, आपसे दिल की बात करने और कुछ चीजों को समझाने के लिए। तो वेलकम टू माय पैसिव इंटरप्रिटेशन, सभी लोगों का स्वागत है बेटा। और शुरू करेंगे आज हम पैसिव नंबर थर्ड। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये पैसिव नंबर थर्ड है। कौन सा बेटा ये पैसिव नंबर, कौन सा बेटा है? क्लियर हो गया? तो आज पैसेज नंबर थर्ड को करेंगे। प्रीवियसली क्लासेस में टू पैसेजेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। शुरू करते हैं भाई। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि किसी भी पैसेज को, सबसे पहले जो बच्चे मुझे फर्स्ट बार देख रहे हैं, कि किसी भी पैसेज को स्टार्ट करने का जो एक राइट वे होता है, एक राइट प्रोसेस होती है बेटा, वो ये होती है कि आपको स्टार्ट करना है और बहुत ही आसान प्रोनंसिएशन के साथ, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे साथ साथ आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और एक जरूरी बात और बता दूं, जहां फुल स्टॉप होगा वहां आपको रुक जाना है, ठीक है मेरे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। अ रिसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय साइंटिस्ट एट द यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे शोज दैट स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर माइट हेल्प टू प्रिडिक्ट फ्यूचर अर्थक्वेक। और यहां फुल स्टॉप है, यहां पे क्या बेटा, फुल स्टॉप है। मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैंने पूरे पैराग्राफ को फुल स्टॉप तक ऑब्जर्व करने की कोशिश की, और ये आपको भी करना है, है ना? बिल्कुल क्लियर है, मुझे फुल स्टॉप पर रुक जाना है। अरे बोलो भाई, हाँ ना, एक बार और पढ़ूंगा बेटा। अ रिसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय साइंटिस्ट एट द यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे शोज दैट स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर माइट हेल्प टू प्रिडिक्ट फ्यूचर अर्थक्वेक। समझ में आ गया बेटा? चलो, इसमें कुछ टफ वर्ड है, जैसे आपने देखा होगा इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, एक और है इसमें बेटा ये सर्वे क्या होता है, और एक क्या है बेटा प्रिडिक्ट क्या होता है। तो सर, मैं इस चीज को पहले आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। लेवल फर्स्ट है, इतना मुश्किल पैसेज नहीं है, बस मेरे साथ आप चीजों को क्या करें बेटा, समझते हैं। आर यू रेडी गाइस समझने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सर, यहां पर एक वर्ड आया प्रिडिक्ट, ठीक है बेटा, एक वर्ड आया यहां पर जियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है बेटा, क्लियर है। और एक वर्ड यहां पर आया इन्वेस्टिगेशन। बोलो मेरे दिल के साथियों, इन्वेस्टिगेशन। ये थ्री ऐसे वर्ड्स थे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में जो हमको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। सर सर, प्रिडिक्ट माने होता है किसी चीज की भविष्यवाणी करना, तो क्लियर नहीं होता बेटा ये, है ना? शुरू कर देते हैं। प्रिडिक्ट माने क्या होता है बेटा, किसी चीज की क्या करना बेटा, भविष्यवाणी करना। आपने एक वर्ड सुना होगा फोरटेल, क्या सुना है बेटा, फोरटेल। चलो, आपने एक वर्ड और सुना होगा फोरकास्ट। ये जो वर्ड है, ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा वर्ड सुनाता हूं बेटा, ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। आपको इन्हें समझते रहना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे साथ साथ चीजों को समझना है और दिल से जुड़ना है, है ना? क्लियर है प्यारे बच्चों? प्रिडिक्ट माने क्या होता है, टू फॉरटेल, फॉरकास्ट, यानी किसी चीज की क्या करना बेटा, भविष्यवाणी करना, पहले से बता देना। प्रिडिक्ट क्लियर हो गया? देखो सर, इसके बाद बताऊंगा मैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होता है जांच, सर आप कह सकते हो इसे एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन। क्या कह सकते हो बेटा, ये ऑफिशियल एग्जामिनेशन, एक आधिकारिक जांच, एक ऐसी जांच जिसकी पुष्टि हो सकती है ना, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जांच पड़ताल, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी बात करते हैं जियोलॉजिकल सर्वे, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे। सर यहां पे अगर बात करते हैं सर्वे, तो वो सर्वे का मतलब होता है परीक्षण। सर्वे का मतलब क्या होता है, परीक्षण, आप कह सकते हो टेस्ट, टेस्ट परीक्षण ही होता है। अरे बोलो भाई, है ना, तो सर्वे का मतलब क्या होता है, परीक्षण। ये जियोलॉजिकल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये बना है जियोलॉजी से। किससे बना है बेटा, जियोलॉजी से। अरे बोलो भाई, ये जियोलॉजिकल है, ये जियोलॉजी का एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जियोलॉजी होता है हिस्ट्री ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं बेटा, जियोलॉजी। जियोलॉजी को क्या बोलते हैं बेटा, भूविज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, भूविज्ञान। तो एक बार चीजों को समझेंगे, मैंने यहां थ्री वर्ड्स को आपको समझाया, प्रेडिक्ट माने होता है भविष्यवाणी करना, फोरटेल कह सकते हैं, फोरकास्ट कह सकते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे होता है भूवैज्ञानिक परीक्षण, पृथ्वी से संबंधित परीक्षण। क्लियर हो गया होगा, मैंने सारी चीजों को आपको वर्ड फॉर वर्ड क्लियर कर रखा है बेटा। सर्वे में से टेस्ट होता है, जियोलॉजिकल मतलब होता है रिलेटेड टू जियोलॉजी, समझ में आ गया, भू परीक्षण। और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, आधिकारिक जांच। शुरू करते हैं। और रिसेंट इन्वेस्टिगेशन, रिसेंट मतलब अभी अभी हाल ही में, ये तो जानते होंगे, अभी हाल ही में एक जांच हुई बाय साइंटिस्ट, किसके द्वारा हुई बेटा, वैज्ञानिकों के द्वारा। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा एक जांच हुई, कहां पर हुई बेटा, एट द यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे। ये बात किसमें पता चली हमें, यूएसए, यूएसए जानते होंगे बेटा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के बारे में, यूएसए के भूवैज्ञानिक परीक्षण, यूएसए का जो भूवैज्ञानिक परीक्षण हुआ, उसमें एक हालिया एक जांच हुई, एक सर्वे हुआ। क्या सर्वे हुआ वहां पे, सोज उसमें यह दिखाया गया, सोज मतलब दिखाना, रिप्रेजेंट करना, डिस्प्ले करना। उसमें क्या दिखाया गया, क्या शो किया गया, दैट के स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर, कि जो जानवरों का जो अजीब व्यवहार है, जानवरों का कैसा व्यवहार है, जानवर अगर अजीब तरीके से व्यवहार करने लगे, माइट हेल्प, इससे सहायता मिलती है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, भविष्य के बारे में जानने में, किसके बारे में, भूकंप के बारे में। अगर भविष्य में आने वाले भूकंप के बारे में आपको भविष्यवाणी करना है, तो इसके लिए उन्होंने सर्वे में क्या पता किया, कि जो जानवरों का अजीब व्यवहार है वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसमें ये बताया गया कि अगर जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका अगर बिहेवियर स्ट्रेंज होता है, तो यहां से हम अर्थक्वेक के बारे में कुछ हो सकता है चीजें हासिल कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला पैराग्राफ क्लियर है, चलो भाई आगे वाले की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड सच अक्रेंस इन अ 10 किलोमीटर्स रेडियस ऑफ एपिसेंटर ऑफ अ फेयरली रिसेंट क्वेक, सम बर्ड्स स्क्रीज्ड एंड फ्लू अबाउट वाइल्डली, डॉग येल्ड एंड रैन अनकंट्रोलेबली। साइंटिस्ट बिलीव्स दैट एनिमल्स कैन परसीव दीज एनवायरमेंटल चेंजेस as early as several days before the mission, before the mission। ये समझ लो बेटा, यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक मैंने इस पैराग्राफ को क्या किया बेटा, समझने की कोशिश की। कुछ वर्ड है, एपिसेंटर है, अकरेंस है, स्क्रीज्ड है ना, और क्या है बेटा, पर्सिव है, मासेप है, ये काफी वर्ड्स है। तो ऐसा करते हैं बेटा, इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आइए सर, ऐसा समझिएगा मेरे साथ, समझिएगा। एक वर्ड है स्क्रीज्ड, ठीक है बेटा, एक वर्ड आया येल्ड, एक वर्ड आया एपिसेंटर, एक वर्ड आया परसीव, परसीव एपिसेंटर येल्ड स्क्रीज, एक और वर्ड था और वो था बेटा मिसेप। कौन सा वर्ड था बेटा, मिसेप।
मिस है, क्लियर है बेटा? ये थोड़ा स्पेलिंग का दिक्कत हो जाएगा, वैसे सही कर रहा हूँ इसको। पी आर सी आर, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है स्क्रीज्ड येल्ड एपिसेंटर पर्शी मिस है, क्लियर है? समझने की कोशिश करते हैं। देखो सर, ये होता है चिड़ियों की जो लाउड आवाज होती है, यानी कि एक कह सकते हैं कि ऐसी आवाज जो बहुत ही लाउड है, ची 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 की आवाज होती है। सब आपने एक वर्ड सुना होगा चर, चिड़ियों में चहचहाना होता है, चिड़ियों का चहचहाना चर कह सकते हैं, जो स्क्रीज उसके लिए आता है ना, किसी आवाज के लिए आता है। क्या मीन जानते हो बेटा? भौंकने के लिए आता है बाघ, क्लियर हो रहा है बेटा? नहीं समझ में आ रहा है? पर्सी मतलब क्या होता है बेटा? महसूस करने के लिए आता है, रियलाइज। किसके लिए आता है? महसूस, मिसअप होता है बेटा, एंड एक्सीडेंट। देखिए ध्यान रखना, ये एन एक्सीडेंट तो होता है, एन स्मॉल एक्सीडेंट, छोटी सी दुर्घटना है ना, इससे कोई ज्यादा हानि ना हो। समझ में आ रहा है? इससे कोई छोटी सी दुर्घटना को बोलते हैं मिसअप, इससे कोई ज्यादा हानि आपको नहीं। समझ लेते बेटा, स्क्रीज माने चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का चिल्लाना, क्लियर हो गया बेटा? स्क्रीज क्लियर हो गया है ना? येल्प मींस भौंकना, कुत्तों के लिए भौंकने के लिए आता है ये वर्ड। पर्सीव माने क्या होता है बेटा? रियलाइज करना, महसूस करना, समझना है ना। मिसअप क्या बताया बेटा मैंने आपको? एक दुर्घटना, एक स्मॉल सा एक्सीडेंट। समझ में आ गया बेटा? अभी हमने एक वर्ड को मिस किया, दैट इज एपिसेंटर। देखो जो एपिसेंटर होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में बता देता हूं, भूकंप केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं बेटा इसे? भूकंप केंद्र, हिंदी में सर इसको ये बोला जाता है, भूकंप केंद्र। तो ये ऐसा सेंटर होता है हमारी पृथ्वी का, समझाना चाहूंगा बेटा आपको। तो एक ऐसा सेंटर होता है हमारी पृथ्वी का, जहां पर भूकंप की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, वो सबसे ज्यादा फील होती है। तो जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा फील होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? एपिसेंटर। तो आप इसे कह सकते हो, आपने एक वर्ड और सुना हुआ, सीस्मो, क्या बोले बेटा? सीस्मो सीस्मोलॉजिकल सेंटर। कौन सा सेंटर बेटा? जहां पर भूकंप क्या एक केंद्र होता है, जहां भूकंप के सबसे ज्यादा झटके महसूस होते हैं, that is called seismological center। समझ में आ गया बेटा? एक बार और बताऊंगा मेरे साथ। स्क्रीज मैंने बताया चहचहाना, चिड़ियों का चिल्लाना, येल्प मींस भौंकना, एपिसेंटर मींस बताया सर, बिल्कुल बताया, एपिसेंटर का मतलब है सीस्मोलॉजिकल सेंटर, यानी भूकंप केंद्र, ऐसा केंद्र जहां भूकंप के झटके सबसे ज्यादा फील होते हैं, सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। पल्सी माने का होता है रियलाइज करना, समझना। मिसअप क्या होता है बेटा? एक स्मॉल सा एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना। क्या कह सकते हैं बेटा? दुर्घटना। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? हिंदी आप अपने तरीके से लिख सकते हो, मैं बोलता रहता हूं, क्लियर हो गया? शुरू करते हैं सर, आइए। तो बिल्कुल यहां से स्टार्ट किया हमने इस पैराग्राफ को, और कहां पे छोड़ना है बेटा हमें, कहां पे रुकना, कहां पर है बेटा हमें? Uncontrollably,
Scientists believe that animals can perceive these environmental changes as early as several days before the mishap. Clear हो गया बेटा? शुरू करते हैं बेटा. जो investigators थे, खोज करता, जो छानबीन जिन लोगों ने की थी, investigation से पता है investigator, जो खोज करता थे, है ना? Found तो उन्होंने पता किया, such occurrence, क्या पाया? ऐसी घटनाएं, occurrence में नहीं क्या होता है बेटा? घटनाएं, एक कह सकते हैं सर, you can say, इवेंट क्या कह सकते हैं बेटा इवेंट लेकिन कौन सी नेचुरल इवेंट कौन सी इवेंट बेटा नेचुरल इवेंट तो अकरेंस क्या होता है बेटा नेचुरल इवेंट तो ऐसी घटनाओं को पाया इन 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेडियस दायरे में त्रिज्या होती है किसके ऑफ एपिसेंटर भूकंप केंद्र के 10 किलोमीटर की त्रिज्या में 10 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने इस चीज को पाया ऑफ अ फेयरली रिसेंट जो हाल ही में अर्थक्वेक आया था उसके जो हाल ही में अर्थक्वेक था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया चीजों को जज किया और जो भूकंप केंद्र था उसके 10 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने इस घटना को पाया तो जो अभी अभी रिसेंट में जो अर्थक्वेक था उस पर उन्होंने क्या किया अपना इन्वेस्टिगेट किया बेटा छानबीन की अपना है ना एग्जामिनेशन किया उन्होंने और पाया कि यह 10 किलोमीटर रेडियस में होता है एपिसेंटर के क्लियर हो रहा है बेटा अरे बोलो भाई है ना सम बर्ड्स स्क्रीज्ड कुछ चिड़िया चिल्लाई चहचहाई एंड फ्लू अबाउट वाइल्डली और वाइल्डली मतलब होता है विदाउट कंट्रोल और इधर उधर भागी उड़ी जानते होंगे फ्लू माने होता है फ्लो फ्लू फ्लोर उड़ना और इधर उधर उड़ी वाइल्डली मतलब विदाउट कंट्रोल अब देखो यहां पे एक वर्ड है अनकंट्रोलेबली का मतलब होता है बेटा वाइल्डली तो बिना कंट्रोल के इधर उधर उड़ी डॉग ये कुत्ते भौंके एंड रेन अनकंट्रोलेबली और वो भी कैसे भागे नियंत्रण बिना बिना किसी नियंत्रण के नियंत्रण से बाहर होके भागे इधर उधर भागे कौन बेटा कुत्ते साइंटिस्ट बिलीव वैज्ञानिक मानते हैं बिलीव माने जाते हैं यकीन करना विश्वास करना क्या कि दैट क्या मानते हैं कि एनिमल्स कैन परसीव ये जो जानवर होते हैं ना बेटा ये समझ लेते हैं ये महसूस कर लेते हैं रियलाइज कर लेते हैं दीज एनवायरमेंटल चेंजेस ये जो वातावरण के बदलाव है इनको एज अर्ली एज जल्दी कितना जल्दी सेवरल डेज बिफोर द मिसहैप दुर्घटना से कई दिन पहले दुर्घटना से कई दिन पहले ये जो जानवर हैं ये इस चीज को क्या कर लेते हैं बेटा महसूस कर लेते हैं कि कुछ होने वाला है समझ में आ रहा है बेटा नहीं आ रहा एक एक वर्ड क्लियर होगा होगा एक बार और बात करता हूं सर चीज को लेके ये जो खोज करता थे इन्होंने ऐसी घटनाएं अकरेंस मैंने क्या बताया सर बिल्कुल बताया नेचुरल इवेंट ऐसी घटनाओं को 10 किलोमीटर दायरे में पाया जो हमारा भूकंप केंद्र है और कहां पाया ये अभी जो हाल ही भूकंप था उसके 10 किलोमीटर दायरे में उन्होंने परीक्षण किया सम बर्ड्स स्क्रीज कुछ चिड़िया चहचहाई भाई चिल्लाई इधर उधर भागी इधर उधर उड़ी कुत्ते भी भौंके इधर उधर भागे कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल होकर भागे भाई साइंटिस्ट बिलीव वैज्ञानिक यकीन करते हैं ये मानते हैं कि जो जानवर होते हैं वो पता कर लेते हैं महसूस कर लेते हैं रियलाइज कर लेते हैं वातावरण के इन बदलावों को इतनी जल्दी पता है कितनी जल्दी बेटा सेवरल डेज बहुत दिन पहले मिसहैप मतलब दुर्घटना से जो भी दुर्घटना होने वाली है मिसहैप मतलब बताया था एक स्मॉल सा एक्सीडेंट है एक्सीडेंट भी होता है दुर्घटना तो दुर्घटना होने वाली है जो घटना दुर्घटना होने वाली है ना उसके कई दिन पहले ये इन बदलावों को महसूस कर लेते हैं कौन बेटा जानवर I think समझ में आ गया होगा क्लियर है बच्चों इन 1976 आफ्टर ऑब्जर्विंग द एनिमल बिहेवियर द चाइनीज वर एबल टू प्रिडिक्ट अ डिवास्टेटिंग क्वेक यहां से समझना बेटा समझना बेटा इन 1976 आफ्टर ऑब्जर्विंग द एनिमल बिहेवियर द चाइनीज वर एबल टू प्रिडिक्ट अ डिवास्टेटिंग क्वेक 1976 में कब की बात है बेटा 1976 में आफ्टर ऑब्जर्विंग क्या कर दिया बेटा देखने के बाद ऑब्जर्व मतलब देखने के बाद क्या देखने के बाद द एनिमल बिहेवियर जानवरों के व्यवहार को देखने के बाद 1976 में जो जानवरों का व्यवहार था उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया नोटिस किया ऑब्जर्व मींस नोटिस करना द चाइनीज वर जो चाइनीज थे वर एवर वो समर्थ हुए एवर भी समर्थ हुए कब टू प्रेडिक्ट भविष्यवाणी कर रही है ना किसके बारे में डिवास्टेटिंग क्वेक जो बहुत ही विनाशकारी बहुत ही हानिकारक जो भूकंप है उसके बारे में डिवास्टेटिंग होता है विनाशकारी क्या बोलेंगे बेटा ऐसे विनाशकारी दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हो बेटा दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो बेटा एक वर्ड आपने सुना होगा
एनिलेटिंग. कौन सा वर्ड सुनाया बेटा? बोलो भाई, एनिलेटिंग. एनिलेटिंग क्या बोलते हैं बेटा इसे? एनिलेटिंग. एनिलेटिंग क्या होता है बेटा? विनाशकारी. चलो भाई आपने एक और वर्ड सुना होगा, टेरिबल, भयंकर, खतरनाक, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहता है ना बेटा. तो टेरिबल जो विनाशकारी, भयानक जो भूकंप था, उसकी भविष्यवाणी को क्या करने में बेटा? करने में जो हमारे चाइनीज थे वो क्या हुए बेटा? समर्थ हुए. कौन सा देश समर्थ हुआ? चाइना का देश समर्थ हुआ. क्लियर हो गया? एक बार और बात कर लेते हैं. 1976 में जानवरों के व्यवहार का परीक्षण करने के बाद, नोटिस करने के बाद, उन्हें देखने के बाद, जो चाइनीज थे वो समर्थ हुए भूकंप, विनाशकारी भूकंप की भविष्यवाणी करने में. जो विनाशकारी भूकंप आता उसकी भविष्यवाणी करने में वो क्या हो गया बेटा? समर्थ हो गए. कौन हो गए बेटा? चाइनीज. चलेगा. ऑल्दो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों सैकड़ों लोग वर किल्ड, मारे गए थे. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मतलब लोग मारे गए थे. द गवर्नमेंट वॉज एबल, जो गवर्नमेंट है वो समर्थ रही थी टू इवैक्यूएट, खाली कराने के लिए. कुछ क्या होता है ना खाली कराना? आपने एक वर्ड सुना होगा, टू रिमूव. अरे बोलो भाई. अरे सर अगर आपको याद हो तो आपने एक वर्ड और सुना होगा, टू एम्प्टी. टू एम्प्टी तो ध्यान रखना, टू रिमूव या टू एम्प्टी, यानी खाली कराने में जो गवर्नमेंट है वो समर्थ हुई थी मिलियंस ऑफ अदर, अन्य अन्य लाखों लोगों को. एंड दस इस प्रकार कीप द डेथ टोल, उन्होंने जो मरने वालों की संख्या, डेथ टोल क्या होता है बेटा? डेथ टोल समझिएगा, नंबर ऑफ डाइड पीपल, नंबर ऑफ डाइड पीपल, समझना बेटा, नंबर ऑफ डाइड पीपल. अगर आपको ऐसे समझ में आया बेटा तो मैं आपको यहां समझा दूंगा, आपको मैं यहां समझा देता हूं डेथ टोल क्या होता है. अगर बात करते हैं बेटा हम डेथ टोल की, तो इसका होता है द नंबर ऑफ डाइड पीपल, तो मरे हुए लोग हैं उनकी संख्या के लिए डेथ टोल आता है. मृतकों की संख्या क्या बोलते हैं बेटा इसे? मृतकों की संख्या. ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? तो चलिएगा, तो दस इस प्रकार से जो गवर्नमेंट है उन्होंने, मौतें तो हुई थी लेकिन उनका मरने वालों की संख्या कैसी रही थी? लोअर लेवल, निम्न स्तर, मतलब कम लोगों की मौत हुई थी. दो मृतकों की संख्या थी उसको क्या रखा था उन्होंने? कम रखा था. यानी मरने वालों की संख्या क्या थी बेटा? कम थी. समझ में आ गया बेटा? नहीं आ गया? चलिए बेटा एक बार और बता देता हूं. ऑल्दो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों सैकड़ों लोग मारे गए थे, गवर्नमेंट जो था वो समर्थ भी हुई थी, सक्षम हुई थी खाली कराने में, सैकड़ों लोगों को, है ना, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को, है ना, लाखों लोगों को, मिलियन मतलब लाखों में जाएगा, लाखों लोगों को उन्होंने क्या किया बेटा? खाली कराया, वहां से हटा दिया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वहां से हटा दिया, एक जगह से दूसरी जगह ले गए. एंड दस इस प्रकार कीप द डेथ टोल एट अ लोअर लेवल, उनका जो मरने वालों का जो संख्या था वो कैसे रखा था उन्होंने? निम्न रखा था, कम से कम लोगों की मौत रही थी. मौत कैसे लोगों की होती? कम से कम लोगों की थी. तो ये था सर आपके सामने इंटरप्रिटेशन पैसे नंबर था. क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. वॉट प्रिडिक्शन, वॉट प्रिडिक्शन, कौन सी भविष्यवाणी मे बी मेड की गई थी बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर, जानवरों के व्यवहार का अवलोकन करने के बाद, जानवरों के व्यवहार को नोटिस करने के बाद, देखने के बाद, जानवरों के व्यवहार को देखने के बाद कौन सी भविष्यवाणी की जा सकती है, की जा सकती है, की जा सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है सर. एंड इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब आगामी, आने वाला, फोर्थ कमिंग, तो आने वाले भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है. सर बिल्कुल मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, एक इज द राइट आंसर. सर आपने पढ़ लिया होगा कि चाइना के लोग भी समर्थ हुए थे, है ना, उन्होंने भविष्यवाणी करी थी. तो जो जानवर होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसा होता है, स्वाभाविक गुण होता है कि वो पहले से क्या कर लेते हैं, किसी भी घटना के बारे में चीजों को परसीव कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं. तो ध्यान रखना भविष्यवाणी से क्या फायदा मिल सकता है, एक इम्पेंडिंग अर्थक्वेक, आने वाले भूकंप के बारे में पता चल सकता है. समझ में आ गया बेटा? अच्छा ये बताओ मरने वालों की संख्या पता चल जाएगी क्या? 10 किलोमीटर रेडियस और एपिसेंटर इसकी पता चल जाएगी पहले से प्रेडिक्शन से? अरे नहीं भाई. इकोलॉजिकल कंडीशन पता चल जाएगी? अरे बिल्कुल नहीं. ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, और ये भी गलत है. तो आंसर कौन सा सही हो गया बेटा? ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर. अरे बोलो भाई. हाँ है ना. बात करते हैं सर पैसे जमा टू के बारे में. चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है बताइए.
Some animals may be able to sense an approaching earthquake. कुछ जानवरों में ऐसा सेंस होता है, ऐसा फील होता है, ऐसा रियलाइज करते हैं, मतलब तो महसूस करना, रियलाइज करना, एंड अप्रोचिंग अर्थक्वेक, आने वाले भूकंप के बारे में। भाई ये तो है, ये तो कुछ बताया गया, ऐसा तो होता है, ये तो बात सही है, हमें गलत ढूंढना है। बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर साइंटिस्ट कैन प्रेडिक्ट, बिल्कुल जानवरों के व्यवहार को देख के वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ये भी ठीक है। द चाइनीज फेल टू प्रेडिक्ट अर्थक्वेक, चाइनी भूकंप के बारे में भविष्यवाणी करने में असमर्थ हो गए थे, फेल हो गए थे। भाई नहीं 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 बिल्कुल फेल नहीं हुए थे, वो तो भविष्यवाणी कर दी थी उन्होंने, समर्थ हुए थे, एवल हुए थे, बताया था, एवल आया था ना, चाइनीज वर एवल, समर्थ हुए थे टू प्रेडिक्ट द अर्थक्वेक। समझ में आ रहा है यार बेटा, तो ध्यान रखना, चाइनीज लोग फेल नहीं हुए थे, चाइनीज लोगों ने भूकंप की भविष्यवाणी सही की थी। सी इज द राइट आंसर। वैसे इवैक्यूएट बताया था, खाली करना, हटाना, रिमूव हो जाएगा, फिर बोलो सीधा सीधा मिल गया होगा। डेस्ट्रोमाने बताया था नष्ट करना, डेस्ट्रोमाने क्या होता है बेटा, नष्ट करना, है ना बेटा। आपने एक वर्ड और सुना होगा र्यून, आर यू आई एन, र्यून मतलब क्या होता है बेटा, नष्ट होना, नष्ट करना। एक्साइल और एक्सपल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है बेटा। देश से निकाल देना, देश से निकाल देना, बाहर निकाल देना, बहिष्कार कर देना, बिल्कुल क्लियर है बेटा। इसके लिए आपने एक वर्ड और सुना होगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बैनिस, बैनिस, एक्सपेल और एक्साइल, मतलब एक ही है, ये भी आप एक दूसरे के क्या है बेटा, सिनोनिम्स हैं, तो ध्यान रखना, बैनिस, एक्सपेल और एक्साइल कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है बेटा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा रिमूव, हटाना, एक जगह से खाली करके दूसरी जगह ले जाना, मैं कोई बताया था तू एम्प्टी टू रिमूव, अरे क्लियर हो गया ना, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, सेकंड वाला भी क्लियर है। अरे बोलो, इफ द साइंटिस्ट कैन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट, अगर वैज्ञानिक सही सही भविष्यवाणी कर सकते हैं अर्थक्वेक किसकी बेटा, भूकंपों की, देर मिल गई तो क्या होगा, फ्यूअर एनिमल्स गोइंग क्रेजी, कुछ जानवर पागल हो जाएंगे, अरे ना भाई, ना जानवरों से क्या संबंध है भविष्यवाणी करने का, और लोअर डेथ के हमारे मरने वालों की जो संख्या है, जो भूकंप से लोग मरते हैं उनकी कम हो जाएगी, चलो बात करेंगे, फ्यूअर पीपल एवेक्यूएट, कम से कम लोग खाली हो पाएंगे, नहीं तो भविष्यवाणी करेंगे तो कम से कम लोग तो खाली होंगे, ज्यादा से ज्यादा होंगे ना बेटा। फ्यूअर एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में इसका कोई मतलब नहीं सर, अगर हमारे वैज्ञानिक सही सही भविष्यवाणी करते हैं तो हमारे देश में भूकंप से मरने वालों की संख्या ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी, और लोअर डेथ रेट हो जाएगा, मृतकों की संख्या कैसी हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अरे बोलो भाई, हाँ मजेदार पैसेज है सर, और ध्यान रखना एसएससी में आया हुआ है, जो मेरे बाई रूट के और एयर फोर्स के एक्स और वाई के जो छात्र हैं, मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, वो भी इन पैसेज को बड़ा नजदीकी से ऑब्जर्व करें, हो सकता है सर आपके पैसेजेस यूं की त्यों एग्जाम में आ जाए, सर ये आपका लक होगा। बट मेरा जो मानना है वो ये है कि बेटा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा पैसेजेस लगाओगे, उतना ज्यादा चांस रहते हैं आपके एग्जाम में आने के। और एक जरूरी बात और बता दूं, वोकैबुलरी का स्टैंडर्ड थोड़ा लेवल को थोड़ा हाई करके रखिएगा, ताकि आप वोकैबुलरी को ज्यादा से ज्यादा समझ सके, इंप्रूव कर सके। अगर आपको वोकैबुलरी आती है, इफ यू नो द रियल मीनिंग ऑफ एनी वर्ड या एनी सेंटेंस, यू कैन से इट, मींस देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाउ कैन एनिमल्स परसीव, जानवर कैसे महसूस करते हैं इन बदलावों को, व्हाइल ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट, जबकि मनुष्य जाति नहीं कर पाती है, ह्यूमन बीइंग्स मानव जाति, मनुष्य जाति तो नहीं कर पाती, लेकिन ये जानवर कैसे महसूस कर लेते हैं इन बदलावों को, जानवर कैसे समझ लेते हैं। चलो, एनिमल्स आर स्मार्टर देन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स से एनिमल स्मार्ट होते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, नहीं है क्यों भाई, बोलो, बिल्कुल सर मेरा कुत्ता तुमसे स्मार्ट है, तो कोई बात नहीं बेटा, वो अलग बात है, कुछ भी बोल रही, ऐसा पैसेज में तो बात नहीं हुई है, पर जो पैसेज में बात हुई है वही सच माननी है, बात बाकी चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। Animals have certain instinct. ये सर एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है natural tendency. स्वाभाविक गुण होता है किसी के अंदर किसी चीज को परसीव करने का, तो जानवर होते हैं उनके अंदर कुछ स्वाभाविक टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं दैट ह्यूमन बीइंग्स डोंट पजेस, जो मनुष्य जाति के पास नहीं होते। पजेस का मतलब भी जानते होंगे बेटा, रखने के लिए आता है, अधिकार के लिए आता है, क्यों है, ठीक है बेटा, एक एक वर्ड को समझना मेरे साथ, मैं नहीं चाहता बिल्कुल अमर उजाला की तरह होना चाहिए। तो जानवर जो होते हैं उनके अंदर कुछ नेचुरल टेंडेंसी होती है, स्वाभाविक चीजें होती है जो मनुष्य जाति के अंदर नहीं होती। चलो सोचेंगे, मेरे बात बात करते हैं, रनिंग अराउंड द हाउसेस दे कैन फील द वाइब्रेशंस, घर के चार और दौड़ दौड़ते हुए वो महसूस कर सकते हैं वाइब्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो कोई बात ही नहीं है सर।
ह्यूमन बीइंग्स डोंट नो वेयर टू लुक, मनुष्य जाति को ये नहीं पता कि देखना क्या है, ऑब्जर्व क्या करना है, ऐसी कोई बात नहीं। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। जानवरों के अंदर ऐसी कुछ स्वाभाविक टेंडेंसीज होती हैं, स्वाभाविक ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो मनुष्य जाति के अंदर नहीं होती, इसीलिए वो इंपेंडिंग अर्थक्वेक के बारे में आसानी से क्या कर सकते हैं बेटा, हमें बता सकते हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सर। फर्स्ट फिफ्थ वाले का आंसर कौन सा है? बी हो गया हमारा। फोर्थ वाले का क्या लगाया हमने? बी लगाया, ऑब्वियस बात है ना। सेकंड वाले का क्या लगाया हमने? सी लगाया। और इससे पहले हमारा जो फर्स्ट था उसका क्या लगाया बेटा हमने? आंसर क्या लगाया बेटा? उसका आंसर हमने ए लगाया। तो ये थे सर एक बहुत ही मजेदार पैसेज था, जियोलॉजिकल सर्वे से हमने इसको, जो हमारे जियोग्राफी है, हमारा जो जियोलॉजी है ना, उससे हमने वो थीम तैयार करके हमने इसको को समझाने की कोशिश की प्यारे बच्चों। आई थिंक आप लोगों ने समझ में अच्छे से आया होगा प्यारे बच्चों। आप इसे एंजॉय करिएगा, समझिएगा। और प्यारे बच्चों एक बात और बता दूं, मेरी क्लासेस आपको अब टाइम से मिलने वाली है। पहले आप लोग परेशान होते थे सर क्लासेस टाइम से नहीं हो पाती है, मेरी क्लासेस आपको जो भी पैसेजेस है, जो भी वोकैबुलरी सेशन जो मैं चला रहा हूँ साथ ही साथ, इससे मैंने आपको 3 पैसेजेस करा दिए ऑलरेडी। नेक्स्ट सेशन में मैं वोकैबुलरी के आ रहा हूँ। मेरी ये क्लास आपको कल मिलेगी सर 10 बजे। कितने बजे मिलेगी बेटा? 10 बजे मिलेगी। तो ध्यान रखना मेरी सारी की सारी क्लास है आप सुबह 10 बजे देख सकते हो। 10 बजे आपको एक नई क्लास तैयार होकर मिल जाया करेगी, आपके पास आसानी से पहुंच जाया करेगी। बस आप चीज़ों को देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, समझते रहिए और बस इंग्लिश में अर्जुन सर का एंजॉय लेते रहिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।